तो आज मैंने बनाया है साबूदाना। आज मिष्ठा बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और क्यों एक्साइटेड है? ग्लासेस बिकॉज़ ऑल ग्लासेस निकाले। हम आ गए हैं डेंटिस्ट के पास। क्या हो रहा है निष्ठा? एक मिनट, हाँ ब्रेसेस निकल गए निष्ठा के। चलो ले दे, कम ऑन। तो आज मैंने बनाया है साबूदाना और ये मेरे लिए है। निष्ठा को दे दिया है मैंने खाना, तो आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं यहाँ से। साथ ही बनाई है चाय, डालूंगी मैं गुड़। बाहर बच्चे खाना खा रहे हैं। कैसा लगा बेटा? अच्छा लगा? फिर आपको अच्छा लगे भुर्जी? हाँ सब खाना ठीक है बेटा। तो आज का व्लॉग शुरू कर दिया है एंड वेलकम टू अवर व्लॉग। आई होप आपको आज मज़ा आएगा। सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर कमेंट भी जरूर करना। शुरू करते हैं आज। आज है संडे और आज रात को आने वाले हैं अजीत। तो बस थोड़ा सा आराम आराम चल रहा है, लेजी चल रहा है। कपड़े मैंने फैला दिए, बर्तन लगा दिए, सारे काम कर दिए मैंने। ये सारे कपड़े मैंने फैला दिए और रूम क्लीन कर दिया है। हेलो एवरीवन, निष्ठा आ रहा बेटा। आज निष्ठा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और क्यों एक्साइटेड है? निष्ठा रिमूव द ग्लासेस बिकॉज़ ऑल ग्लासेस निकालने पड़ेंगे। ये देखो रख दो बेटा, प्लीज रख दो बेटा। हाँ बेटा टॉप। वाओ बाबू बेटा गो नाउ। चलो चलो निष्ठा, निष्ठा आज कहाँ जा रही है? बहुत इम्पोर्टेंट डे है आज। वाय बिकॉज ये ब्रेसेस निकलने वाला है। ये दे बाबू बाजू बेटा, फोन गिर जाएगा मम्मा के हाथ से। कितना महीना होगा? हमने आपका ट्रीटमेंट शुरू किया था सितंबर 2021 और आज है नवंबर 2022, एक साल के ऊपर। और ये पूरी जर्नी जो है मैंने रिकॉर्ड करी है, मैं आपको दिखाऊंगी। आप जब ये आप देख रहे हो वीडियो तो वो भी देखोगे। और जो बेटा लोग को लिफ्ट तो मैं दिखाती हूँ क्या हो रहा है। तो आज उसके निकलने वाले हैं ब्रेसेस, परमानेंट ब्रेसेस निकलने वाले हैं। और फिर उसको अंदर एक आई थिंक वायर लगेगी, जैसे कि पोल्यूशन जो है वो चेंज ना हो दांतों की। तो डेंटिस्ट के पास आने के बाद हम लोग बताएंगे, आपको बताऊंगी मैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। बट जहाँ तक मुझे बताया उन्होंने कि अंदर फिक्स्ड वायर्स होती ना, वो लगेगी अंदर से फॉरएवर, मतलब कि हाँ फॉरएवर लगेगी। जैसे वो वायर जो है वो ऐसे घुसाते नहीं है। मैंने डेंटिस्ट को भी पूछा, स्टिक करते सो इट इज नॉट पेनफुल। एंड डिस्टर्ब मतलब कैसा आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? हाँ अच्छा, तो टाइटन का तो सभी क्या होता है, दुखता है खाने में मेरे फर्स्ट 2-3 डेज ना। आप सीधे कैमरा एंड टॉक में बाबू। हाँ सीधे कैमरा एंड टॉक में बच्चे। हाँ चलो चलो, हाँ खुद बात करो। होल्ड योर गैप, होल्ड योर टॉक। मैं क्या बोलूँ, लेट हो रहा है हमको। हाँ आपको भी कैसे लगा आपका जो हो रहा है ट्रीटमेंट? तभी टाइटन करते ना एवरी मंथ, तभी बहुत दुखता है। एक दो दिन के लिए खाने का बहुत डिफिकल्ट होता है, सोने में बहुत प्रॉब्लम होता है फर्स्ट शुरू में एक दो दिन जब वो टाइटन करते हैं ब्रेसेस। और तभी ब्रेसेस लगाया था उसके 3-4 दिन में बहुत ज्यादा दुख रहा था, पेन किलर खा लेती थी शुरू में जो लगा था फर्स्ट टाइम। हाँ। उसके बाद जब टाइट करने जाते थे तब भी एक दो दिन दुखता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। तो यू हैड पेन किलर खाते थे एक दो बार बोली राइट? और बाकी हाइजीन करना पड़ता है, दो बार ब्रश, गागल। तीन बार ब्रश करते हो आप? सुबह खाना खाने के बाद और रात को। चलो अभी दो बार ही ब्रश करना मिलेगा, देखते हैं। चलते हैं देखते हैं, आज का प्लान कुछ चेंज ना हो। डॉक्टर ने बोलता है कि आज होगा, दिसंबर तक पूरा होगा। क्या इसका पूरा हुआ तो अच्छे से हुआ निष्ठा का, वेरी नाइस। तो आज कल का ब्लॉग आज कंटिन्यू कर रहे हैं। मम जा रहे हैं निष्ठा के पास, निष्ठा को लेके डेंटिस्ट के पास, उसका आज अपॉइंटमेंट है। मुझे नहीं पता क्यों लोग रेड्डी को लेके आ रहा है। इसका ब्रेसेस निकलने वाला है आज, निष्ठा एक्साइटेड है। हम लोग को ऑटो पकड़नी, एक्चुअली प्लान था कि अजीत लेके जाएंगे बट अजीत सो रहे हैं तो फिर मैं ही लेके जा रही हूँ। चलो 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 तक ना फिर होल्ड दिस। तो चल 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 चलो कितना बस गिरेगा ना मेरे पे, नान मत देना। हम जा रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ, देखते हैं क्या होता है। क्यों खुश हो? क्यों कर लीजिए एंड लेट्स गो स्टार्ट। हम आ गए हैं डेंटिस्ट के पास। क्या हो रहा है निष्ठा? वेटिंग हो रही है। एक एक बंदा गया है अंदर, बंदा बंदी। तो रे दे
Nishtha, you tell me one thing. Why you don't want Riddhi to come along? Riddhi, why Riddhi doesn't want to come along with dentist? Talkative. Talkative. Are you talkative? Paida hua talkative. You think she's talkative? Very, very. Riddhi? Very. You're talkative? देखो राजू निष्ठा के एकदम चकाचक। राजू तुम्हारे दांत तो बड़े चमकदार लग रहे हैं। निष्ठा बेटा हम लोग कर क्या है सेलिब्रेशन एक मोर देन वन ईयर सितंबर 2nd को वी वेंट फर्स्ट टाइम एंड 1st अक्टूबर को शी गॉट दैट जॉ लाइनर और आउटर अंदर ऊपर दोनों जो लगे जो तार नीचे भी लगी ऊपर भी लगी है बोथ साइड बोथ ऊपर नीचे बोथ अभी इसको जाना है फर्स्ट अजू फर्स्ट दिसंबर को वी हैव टू गो अजू फर्स्ट दिसंबर को वी हैव हर अपॉइंटमेंट फॉर पॉलिशिंग टीथ पॉलिशिंग एंड देन शी विल आल्सो गेट अ अलाइनर बट स्लोली शी विल गेट दीदी का भी नेक्स्ट वीक मैंने ले लिया अपॉइंटमेंट टीथ क्लीनिंग का क्योंकि उसको टीथ क्लीन करना पड़ने नवंबर 5 बजे मैं लगे हाथ ये भी काम करवा लेते हैं जितने जा तो रहे हैं मैंने बोला आज ही कर दो बोलते नहीं आज तो ट्रीटमेंट का वो चल रहा है देख पिकअप द कार कीप इन द प्लेस चल नो यू गोइंग डाउन टू प्ले पिकअप द कार निष्ठा तो शूट हो गई है शूट हो गई है ये कपड़े मैंने चेंज किए थे यहाँ पर और यहाँ पर ज्वेलरीज का प्रमोशन किया था उसका कोलैबोरेशन ये रही मेरी रिंग लाइट बच्चों को लगी है भूख बच्चे आ गए हैं फुटबॉल से तो बच्चों फुटबॉल से आ गए मैं जाती हूँ राइस बनाती फटाफट से और आइसक्रीम खाती हूँ आइसक्रीम अच्छा आपको याद है आइसक्रीम के बारे में मम्मा आई टुक बाथ चल झूठा यहाँ पर हो रही है चाय तैयार चाय को अच्छे से बॉईल कर लिया है इसको मैं छान लूंगी और दूंगी अजीत को मम्मा सबका बिड़ू करना है यार हाँ मेरा बच्चा मेरे को फर्स्ट टाइम खा रहे ना बेटा ये मैंने कभी खाया भी नहीं है ओपन कर दो यहाँ पर चाय हो गई है तैयार प्लेट नाइस मुझको मन कर रहा है खाने का आइसक्रीम पर हम चाय पिएंगे अजी दे लो इतना क्यों खुश हो रहे हो ऐसे ही चाय अच्छा साथ में कुछ चाहिए आपको आपका साथ और थोड़ी सी सिंगदाना मैं जा रही हूँ कटोरी चाहिए आपको नहीं नहीं पक्का उसको पैक कर देना दिखाओ पैक करने का क्या है वो क्या बोलते हैं क्लिप ये हम लोग यूज करते हैं हमारे फील्ड में बाय इन्हें गंदा नहीं करना बेटा आराम से खाओ बेटा प्लीज आज जरा के खाना चाहिए बेटा आपको